गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो हम पेपर है वो है हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो आज इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, इसकी मीनिंग वगैरह के बारे में। तो आज हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल साइंस देखिए। वैज्ञानिक निष्कर्षों की निम्न विशेषताओं में उनकी प्रकृति और उनका जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है वैज्ञानिक निष्कर्ष ठोस अध्ययन और गहन प्रयोगात्मक परीक्षणों से गुजरने के बाद ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग बोल दिया तो वो आपका रियल हो गया। नहीं, ये किसी ठोस गहन प्रयोगात्मक परीक्षणों से गुजरने के बाद ही हम किसी सत्य पर पहुंचते हैं। सेकंड है आपका, ये निष्कर्ष क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज के बारे में रिसर्च किया है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो आप अपने अकॉर्डिंग, नहीं ऐसा नहीं होता, ये वैलिड होते हैं, वैध होते हैं। थर्ड है, इनके आधार पर ही किए गए जो भविष्य कथन होते हैं प्राय वास्तविक धरातल पर स्थापित होते हैं, अतः उस पर भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें जो स्थायित्व होता है वो अथवा विश्वनीयता रिलायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट, इसमें विभेदीकरण क्षमता डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होती है, जिससे इनको भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये सत्य की स्पष्ट सरल और संक्षिप्त एवं सीधी व्याख्या करती है, जो विज्ञान हमारी ये साइंस है। इनके द्वारा व्यक्तियों में व्यक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सुगमता से किया जा सकता है। यह मनुष्यों को धर्म, वीर, अंधविश्वासी, पिछड़ेपन, धक्के अनुसार विचारों वाला होने से बचाकर खुले मन का और खुले मस्तिष्क वाला, दृष्टि वाला और व्यापक व्यक्ति बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो मनुष्य कहते हैं ना कि धक्कियानों से जो पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग कई बार धक्कियानों से बातें होती हैं कि जैसे हमारे पहले पूर्वज करते थे लड़कों को नहीं पढ़ाना, उनके लिए ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये क्या है, सब गलत है। ये क्या है, वैसा नहीं करते। तो यह मनुष्यों को अंधविश्वास, पिछड़ेपन, धक्कियानों से विचारों से होने वाले विचारों से बचाते हैं। नेक्स्ट है, ये जीवोपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, इनको जीवन में अपना हर कोई भी व्यक्ति एक सफल जीवन जीने में समर्थ हो सकता है। ये निष्कर्ष परिणामों की सत्यता के लिए ईश्वर की कृपा अथवा संयोग और भाग्य की आधारहीन बातों को उत्तरदायी नहीं मानते। ठीक है, ये जो रियलिटी है सत्य पर आधारित है उसी को ही सही मानते हैं। ईश्वर के अस्तित्व, भक्ति और धार्मिकता आदि का विज्ञान की प्रकृति में कोई स्थान नहीं है। यह तो केवल कर्मवाद में विश्वास करते हैं और निश्चित फल की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करते हैं। यह कर्म केवल कार्य और कारण संबंधों के कारण ही क्रियाशील रहता है, क्यूज एंड क्यूजेशन इफेक्ट। कार्य और कारण संबंधों की विस्तार से व्याख्या हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ये हमने बताया है कि विज्ञान का ये सत्य पर ही आधारित है। जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो सत्य पर ही, सत्य को लेकर ही किया जाएगा कि सत्य ही उसके हमारे सामने आए। ठीक है, तो ये था आपका वैज्ञानिक निष्कर्षों की विशेषताएं। उसके बाद आता है हमारा कार्य और कारण संबंध। देखिए, रिलेशन बिटवीन क्यूज एंड क्यूएशन। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसी भी कार्य परिणाम में छुपे हुए उसके सत्य कारण का पता लगाने के लिए ही प्रयोगों, प्रक्षेपणों व गणनाओं में सहायता लेता है। जब तक यह कारण स्वरूप अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं होते तब तक वह उसे सत्य के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो कार्य और कारण के सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास करने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रश्न अभी भी विद्यमान हैं जिनके कारण का पता अभी तक विज्ञान भी नहीं लगा सका। ठीक है, जीवन और मृत्यु, सुख दुख, प्रेम और घृणा, ईश्वर द्वेष और अन्य
अनेक सूक्ष्म अनुभूतियों क्यों होती है और इस पर इसका नियंत्रण किस प्रकार होता है, स्थापित किया जाता है आदि बातों का अभी विज्ञान के पास भी कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर की भक्ति और उसके अस्तित्व तथा सृष्टि के संचालन में उसकी भूमिका पर भी विज्ञान का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है हमारे सामने आज तक भी। जैसा कि विज्ञान एक गतिशील प्रणाली है, संभव है कि आने वाले समय में इन प्रश्नों के कुछ वैज्ञानिक उत्तर खोजे जा सके। ठीक है, नई नई रिसर्च हो तो उसमें हम क्या पता किस उत्तर की खोज कर लें। बर्ट्रेंड रसेल ने क्या कहा है, अपने कार्य कारण और प्रभाव पर अपने विचार के बारे में बताया, व्यक्त करते हुए कहा है, कारण और प्रभाव एवं कारणों के ढांचे पर निर्मित विश्व में यह ध्यान दिया जाना भी बहुत आवश्यक है कि अनुभवों के पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित किए जाएं और तदनुसार उन्हें तर्क संगत व्याख्या से संबंध कर दिया जाए कि कोई भी अगर सच्चाई है तो उसको उन्हें एक तर्क संगत व्यवस्था से संबंध कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें हमारा निष्कर्ष क्या कहता है कि अगर हम इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं तो गणनाओं के आधार पर भी हम निष्कर्ष ज्ञान किए जाते हैं तथा उनकी व्यवहारिक व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है। किसी एक सत्य निष्कर्ष पर पहुंच जाने के बाद समाज एवं मिलती जुलती परिस्थितियों के लिए उसी निष्कर्ष के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के निष्कर्षों का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के निष्कर्षों का वर्णन किया जाता है। इस प्रक्रिया में भविष्य कथन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को भविष्य कथन। कई बार क्या होता है, हम भविष्य के बारे में पहले से ही कुछ बता सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि विज्ञान शिक्षण अथवा वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया गया भविष्य कथन फलित ज्योतिषियों एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो द्वारा किए जाने वाले कल्पना आधारित भविष्यवाणियों से सर्वदा भिन्न होता है। ठीक है, तो विज्ञान का जो भविष्य कथन है सत्य एवं यथार्थ अनुभवों और निष्कर्षों पर ही आधारित होता है। ठीक है, जबकि जो फलित ज्योतिषियों की होती है भविष्यवाणी वो लगभग कल्पनाओं के भरोसे ही की जाती है। तो संभव है कि अतीत में जो फलित ज्योतिष जैसा कोई विज्ञान रहा हो किंतु वर्तमान युग में ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक भी हमारे सामने नहीं आया हो कि आपकी कल्पना के आधार पर हम भविष्यवाणी कर दें। ठीक है, तो विज्ञान में ऐसा नहीं किया जाता। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, जब किसी वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतिम निष्कर्ष प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके अन्य समान स्थितियों में लागू किए जाने के लिए प्रमाणित कर दिया जाता है। उदाहरण हेतु कोई परीक्षण प्रक्रिया जब किसी प्रमाणिक परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्ट को जन्म देती है तो उस परीक्षण को शोधकर्ता द्वारा वैसे ही अन्य अनुसंधानों में प्रयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी जाती है। सामान्यकरण के बाद अध्ययनकर्ता आवश्यक समझता है तो भावी अध्ययनों के संबंध में अपने कुछ सुझाव भी अध्ययन के प्रतिवेदन में सम्मिलित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो विज्ञान की प्रकृति है प्रकृति अध्ययन को सीमित न करते हुए व्यापक स्वरूप प्रदान करने की रहती है। DW100 के अकॉर्डिंग ये सामान्यकरण बच्चों के जीवन पर विज्ञान के प्रयोग का पूर्ण त्याग कर देते हैं। ऐसा कोई संदर्भ नहीं होता जिसमें स्वास्थ्य व नागरिकता के प्राप्त उद्देश्यों को प्रमुखता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हम क्या है, कल्पनाओं की जिंदगी पर कल्पनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या है, सत्य जो हमें अनुसंधान द्वारा हमारे सामने आएगा रिसर्च के द्वारा वही सत्य है, वही वैज्ञानिक जो सामने हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वही सत्य होता है। ठीक है, तो कल हम इसका विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा पता चल गया। ठीक है, कल हमारा जो मेन टॉपिक आएगा हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द वेरियस स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। अगर जस्ट हम आज बात करते हैं
तो क्या है, भौतिक विज्ञान ही वह शाखा है जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है। यह वह विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं अथवा प्राकृतिक व्यवस्था के व्यवहार के प्रति प्रकृति के स्थापित नियमों के आधार पर व्याख्या करती है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यही ग्राफिक्स ऑफ फिजिकल साइंस है।